नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल अमित टेक में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि जो डीजल लोकोमोटिव होता है, डीजल इंजन जो होता है, वो कैसे काम करता है, उसका वर्किंग प्रोसीजर क्या है। तो सारा कुछ डिटेल्स में समझाते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, इसलिए ये वीडियो पूरा देखिए शुरू से लास्ट तक, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमारा लोकोमोटिव काम करता है और ये कैसे इलेक्ट्रिकल इंजन से डिफरेंस है। तो अगर ये आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर गलत लगता है या कुछ कमी है तो प्लीज़ उसमें बताइए, हम उसे इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो रेलवे इंजन होते हैं वो ट्रेन के हर आगे में जुड़े होते हैं, ट्रेन के डब्बों को या फिर बोगियों को आगे में जुड़े रहते हैं और उसमें बैठे लाखों करोड़ों मुसाफिर उसे सफर करते हैं। बिना इंजन के जो डब्बे होते हैं, बिना एक सिर्फ एक डब्बे ही रहेंगे जो कि सिर्फ हमें बारिश और धूप इन सब चीजों से बचा सकते हैं, वो हमें अपने मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते। दोस्तों, नॉर्मली हम तीन इंजन के बारे में जानते हैं, डीजल इंजन, स्टीम इंजन और इलेक्ट्रिकल इंजन। दोस्तों, डीजल इंजन और इलेक्ट्रिकल इंजन ही सबसे ज्यादा यूज होते हैं हमारे इंडियन रेलवे में। तो आज हम इस डीजल इंजन के वर्किंग के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉर्मली डीजल इंजन जो होते हैं दो तरह के होते हैं, डीजल और इलेक्ट्रिकल। दोनों का जो प्रोसीजर होता है सेम होता है, एक डीजल से चलते हैं और एक इलेक्ट्रिकल से चलते हैं, दोनों चलते हैं, ठीक है। अब इन दोनों को चलाने का जो प्रोसीजर, इंजन बेसिकली दो तरह के होते हैं, डीजल और इलेक्ट्रिकल, लेकिन ये अल्टीमेटली दोनों एक ही तरह से काम करते हैं। फर्क बस इतना होता है इन दोनों में कि इन दोनों को पावर कहाँ से मिलती है। डीजल इंजन जो होता है वो खुद से पावर जनरेट करता है और डीजल को बर्न करके, और जो इलेक्ट्रिकल इंजन है वो बाहर से पावर लेता है। आपने इलेक्ट्रिकल इंजन के ऊपर लगे पेंटोग्राफ को जरूर देखा होगा, जो ऊपर ओवरहीट होते हैं, वहां से वो कनेक्ट होते हैं और वहां से उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। दोस्तों, नॉर्मली जो ट्रेन के इंजन के पहिए होते हैं वो ट्रैक्शन मोटर से चलते हैं। ट्रैक्शन मोटर जो होता है इंडक्शन मोटर है, जो कि नॉर्मल इंडक्शन मोटर से बहुत ही बड़ा और पावरफुल होता है, और ये जो ट्रैक्शन मोटर होते हैं एसी या डीसी करंट से चलते हैं। तो इस तरह से एक बात तो साफ हो गया कि इंजन में जो मोटर होते हैं वो ये लगे हुए मोटर दोनों इलेक्ट्रिक से ही चलते हैं, और एसी या डीसी से, चाहे वो डीजल हो या इलेक्ट्रिकल हो। पता चलता है कि जो ट्रैक्शन मोटर हमारे डीजल इंजन में लगा होता है उन्हें भी चलाने के लिए इलेक्ट्रिक की जरूरत पड़ती है। पर क्वेश्चन ये होता है कि डीजल इंजन में इलेक्ट्रिसिटी आती कहाँ से है? वहां पे तो हम पेंटोग्राफ से वही टेंशन वायर से ले लेते हैं, लेकिन डीजल इंजन में कहाँ से लेते हैं, क्योंकि डीजल इंजन के ऊपर तो कोई पेंटोग्राफ नहीं होता है। तो दोस्तों, डीजल इंजन जो होते हैं वो खुद ही पावर जनरेट करते हैं फ्यूल को बर्न करके। तो इस तरह से डीजल इंजन में बड़ा सा एक इंजन होता है जो डीजल इंजन होता है, जो कि फ्यूल से चलता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। इसको हम नॉर्मली एक बड़ा जनरेटर भी कह सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये जो डीजल इंजन होते हैं, जो जनरेटर होते हैं, वो डायरेक्ट पहियों को नहीं चलाते, इनका बस काम है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो ट्रैक्शन सप्लाई देती है, और इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ट्रैक्शन मोटर से कनेक्ट होते हैं, और ट्रैक्शन मोटर जो है पहिए से कनेक्ट होते हैं। दोस्तों, डीजल इंजन में नॉर्मली 6 ट्रैक्शन मोटर लगे होते हैं, और किसी किसी इंजन में तो 4 ट्रैक्शन मोटर होते हैं। दोस्तों, ये जो डीजल इंजन होते हैं नॉर्मली 16 सिलेंडर कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं, बट किसी किसी डीजल इंजन में 20 सिलेंडर के भी इंजन होते हैं। दोस्तों, और अच्छे से समझने के लिए चलिए हम एक ग्राफ को दिखाते हैं और उसे उसकी सारे इंटरनल जो जो कंपोनेंट है उनको सारा को डिस्क्रिप्शन करके बताते हैं किस तरह से, कैसे, कौन कौन सा काम करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डीजल इंजन को देखते हैं, और यही वो मेन पार्ट है जहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। दोस्तों, यहीं से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है जो बाद में ट्रैक्शन मोटर को चलाती है। अल्टरनेटर दूसरा जो है अल्टरनेटर है। दोस्तों, डीजल इंजन जो है अल्टरनेटर से कनेक्ट होता है, और यहीं से जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और इसी से ट्रैक्शन मोटर चलता है, और यहाँ से बनी इलेक्ट्रिसिटी विभिन्न कोचों में जाकर डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिससे हमारा लाइट, फैन वगैरह सब कुछ चलते। तीसरा होता है रेक्टिफायर एंड इन्वर्टर। दोस्तों, जो रेक्टिफायर होते, जो कन्वर्ट इन्वर्टर होते हैं, उससे हमेशा डीसी करंट निकलते हैं, और पहले के जो ट्रैक्शन मोटर होते थे वो डीसी करंट से चलते थे, लेकिन अब जो ट्रैक्शन मोटर है वो डीसी करंट से नहीं चलता। अगर मेरा ट्रैक्शन मोटर जो है डीसी करंट से चलता है तो डायरेक्ट इन्वर्टर से हम रेक्टिफाई करके जो है इसको ट्रैक्शन मोटर को चला सकते। दोस्तों, अगर मेरा जो ट्रैक्शन मोटर है एसी करंट से चलता है तो उसमें लगे रेक्टिफायर से हम उसे कन्वर्ट करके एसी करंट में कन्वर्ट कर लेते। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो मेरा अल्टरनेटर होता है वो एसी करंट देता है, तो डायरेक्ट हम ट्रैक्शन मोटर को एसी करंट क्यों नहीं दे देते? लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, इसलिए कि डायरेक्ट जो अल्टरनेटर का एसी करंट हम उस पर देते हैं वो मेरा डीजल इंजन पर चलता है, इसलिए फ्लक्चुएटिंग एसी देता है और मेरे ट्रैक्शन मोटर को खराब कर सकता है। इसलिए इसे हम क्या करते हैं,
रेक्टिफायर और इन्वर्टर के थ्रू प्योर एसी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद ही हम इसे ट्रैक्शन मोटर को देते हैं। एसी मोटर दोस्तों ये वही पार्ट है जहां से अल्टीमेटली इंजन के पहिए हमारे घूमते हैं, और ये जो ट्रैक्शन मोटर है हर इंजन के एक्सल में लगे होते हैं और इनकी जो संख्या होती है वो 6 होती है। दोस्तों ट्रैक्शन मोटर जो होता है डीजल और इलेक्ट्रिकल दोनों इंजन में होता है। फ्यूल टैंक जो होता है जहां से हम डीजल इंजन को चलाते हैं, और ये जो एयर कंप्रेसर जो होता है वो इंजन के ब्रेकिंग सिस्टम के लिए होता है, और रेडिएटर जो होता है वो इंजन को कूल रखने के लिए लगा होता है। दोस्तों आप अगर किसी डीजल इंजन के ऊपर में देखेंगे ये बड़े फैन जो लगे होते हैं वो उनका काम यही है रेडिएटर का, और वो जो ऑयल को इंजन को कूल रखने का काम करते हैं। इलेक्ट्रिक कंट्रोल दोस्तों इंजन के हर कंपार्ट जो सिस्टम को देखना और उनको कंट्रोल करना बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड काम है, इसलिए इनका कंट्रोल क्या होता है इंजन में एक कंप्यूटर के द्वारा एक जगह लाके कर दिया जाता है जहां से लोको पायलट जो होते हैं सारा कुछ कंट्रोल कर लेते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है डीजल इंजन इलेक्ट्रिकल इंजन से ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, इनको किसी भी कहीं भी जगह पे ले जाया जा सकता है, इन्हें किसी ओवरहेंड टेंशन वायर की जरूरत नहीं होती है, ना किसी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, बस एक ट्रैक चाहिए और फ्यूल चाहिए, इसके थ्रू हम कहीं भी डीजल इंजन को ले जा सकते हैं। इस तरह से इसे अगर हम एक चलता फिरता जनरेटर बोलें तो गलत नहीं होगा। दोस्तों इस तरह से आपको डीजल इंजन की वर्किंग तो समझ में आ गई होगी, तो साथ ही साथ थोड़ी मोड़ी इलेक्ट्रिकल इंजन की भी वर्किंग समझ में आ गई होगी। तो इस तरह से अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।